साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में प्रगतिशील काव्यधारा और कवि। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में योगदान देने वाले कुछ कवियों एवं उनकी काव्य प्रवृत्तियों की चर्चा यहाँ की जा रही है। 1911 से 1993 ईस्वी के मध्य शमशेर बहादुर सिंह यद्यपि प्रगतिशील चेतना के कवि हैं, किंतु उनकी कविताएं मन की गहरी परतों को सांकेतिकता और बहुत कुछ चित्रकला की सहायता से खोलती हैं। शमशेर बहादुर की कविताएं शब्दों की बहुत मितव्ययिता बरतती हैं, अतः अर्थ निकालने का प्रयास काफी करना पड़ता है। इसी कारण उनकी कविताओं में मौन की, यानी जो कहा जाना चाहिए किंतु नहीं कहा गया, महिमा मिलती है। उनकी कविताएं सहज उक्तियों में ढलकर सुगम हो जाती हैं। अमन का राग, सलोना जिस्म, आओ ना, ऐसी ही कविताएं हैं। गिरिजा कुमार माथुर 1919 से 1994 ईस्वी और नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी प्रगतिशील कवियों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। नरेश मेहता बिंबों का प्रयोग करने में कुशल हैं। वे प्रगतिशीलता को सौंदर्य की व्यापक भूमि पर देखने वाले कवि के रूप में विख्यात हुए थे। उनकी समय देवता कविता एक विराट गतिशील बिंब बनाती है। बाद में वैष्णव भावना और विशिष्ट भाषा प्रयोग की ओर उनकी रुचि बढ़ गई। गिरिजा कुमार माथुर इंद्रिय बोध के कवि हैं। उनके अनेक गीतों में रूप वर्णन का आकर्षक चित्रण होता रहा। उनमें संगीत तात्मकता का गुण भी है। बाद में वे नई कविता और उसमें भी वैज्ञानिकता का प्रभाव लाने में अधिक व्यस्त रहे। पृथ्वी कल्प इसी का परिणाम है। भवानी प्रसाद मिश्र 1914 से 1985 ईस्वी भाषा के चलतेपन और भावों के खुलेपन के कवि हैं। उनकी कविताओं के प्रभाव के विषय में उनकी वाचन पद्धति को भूलकर सोचना कठिन है। वे स्थितियों को सहजता से संयोजित करके प्रबंधकार के ढंग से मार्मिकता पैदा करते हैं। सतपुड़ा के जंगल में उनकी प्रबंध प्रतिभा की झलक मिल जाती है। उनकी काव्य भाषा सहज किंतु मार्मिक है। १९६४ ईस्वी में मुक्तिबोध की मृत्यु हिंदी कविता के लिए एक ऐतिहासिक घटना बन गई। मुक्तिबोध सप्तक के कवि थे, लेकिन उनका कोई काव्य संकलन नहीं छपा था।
उनकी लंबी कविताओं ने बहुत कम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। अंतिम बीमारी में लोगों का ध्यान उनके जीवन संघर्ष और काव्य संघर्ष की ओर गया। मरणासन्न स्थिति में उनका प्रथम काव्य संकलन चांद का मुख टेढ़ा है 1964 में प्रकाशित हुआ। लोगों को पता चला कि मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। मुक्तिबोध अमानवीय व्यवस्था में पनपे और प्रचलित रुग्ण सौंदर्य बोध के स्थान पर नए मानवीय प्रगतिशील सौंदर्य बोध का निर्माण करते हैं। मुक्तिबोध स्वातंत्र्योत्तर भारत में दिखाई पड़ने वाले कथनी और करनी के अंतर को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए वे स्वप्न कथा या फैंटेसी की शैली अपनाते हैं। मुक्तिबोध को परंपरा का गहरा बोध है। वे करुणा के कवि हैं। उनकी भाषा शैली और उनका सादृश्य विधान बिल्कुल अपना है। वे गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि हैं। चांद का मुख टेढ़ा है के प्रकाशन काल के ही लगभग 1936 से 1975 ईस्वी के मध्य धूमिल ने काव्य रचना प्रारंभ की। धूमिल का रचना काल केवल एक दशक रहा होगा, लेकिन स्वातंत्र्योत्तर भारत में पनपी पली अवसरवादी सुविधा जीविता के वास्तविक रूप को उद्घाटित करने की क्षमता के कारण उनकी कविताओं ने शीघ्र ही अपनी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लिया। धूमिल की कविता का तेवर जासूसी है, जो छिपे छिपाए मानव विरोधी व्यवहार को ताड़ लेती है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके काव्य संकलन हैं। मुक्तिबोध और धूमिल की कविताओं से हिंदी कविता में एक प्रकार से प्रगतिशील कविता की धारा व्यापक और वेगवती हुई। कविता में दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को महत्व देने से अखबारीपन भी आ गया। इसका परिणाम हुआ कि रघुवीर सहाय 1929 से 1990 ईस्वी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 ईस्वी, केदारनाथ सिंह जन्म 1934 ईस्वी जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना कि वह पहली बार मार्मिक लगे, रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है। लेकिन इस क्षमता का उपयोग पहले वे अधिकांशतः दृश्यों या मन की गहरी परतों को उघाड़ने में ही करते थे या व्यंग्य विनोद में। बाद में उनकी कविताएं गहरी राजनीतिक हुई हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन, वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। लगता है जैसे नागार्जुन की पंक्तियां हों। रामदास जैसी संतरास पैदा करने वाली कविताएं हिंदी में कम लिखी गई होंगी। इस दृश्य की अति सामान्यता देखिए और इसके प्रभाव की गहराई। मैंने गोद में बच्चा लिए स्त्री को बस में चढ़ते देखा, और मेरे मन में दूर तक कुछ घिसटता सा चला गया। राजनीतिक दबाव सर्वेश्वर की कुआनो नदी और केदारनाथ सिंह की यहां से देखो संकलन की कविताओं में दृष्टव्य है। श्रीकांत वर्मा पर भी राजनीति का दबाव देखा जा सकता है। उन्होंने राजसत्ता, इतिहास और कालबोध का संश्लेष मगध की कविताओं में किया है।
राजनीति धर्मा होने से हिंदी कविता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन की ओर नई पीढ़ी का ध्यान नए सिरे से गया और वे कवि नई पीढ़ी के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो उठे। आधुनिक कविता ने तुक, छंद, अलंकार आदि का मोह छोड़कर गद्यात्मकता को यथार्थ चित्र के लिए अपनाया था, लेकिन व्यक्तिवादी कवियों ने गद्यात्मकता को अपनाकर भी उसे और अमूर्त बना दिया। नागार्जुन, केदार, त्रिलोचन अधिकांशतः छंदों और तुकों में लिखते हैं। उनके यहां बोध और चित्रात्मकता कभी नहीं छूटते। उनका वाक्य गठन सुव्यवस्थित रहता है। इस विषय में त्रिलोचन की ठेठ भाषा का ठाट अन्यत्र दुर्लभ है। नागार्जुन ने अपना बनाया हुआ काव्य मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे दोहा, मंत्र, हर गंगा सब लिखते रहे, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग उन्हें आधुनिक समझेंगे या नहीं। देश अपने विविध रूपों में इन कवियों के यहां मौजूद है। इनके फिर से प्रासंगिक होने का यही रहस्य आदि है। इसी काल में गीत के क्षेत्र में भी कुछ उल्लेखनीय नाम उभर कर आए, जिनमें वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह, रमानाथ अवस्थी, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदर्श मिश्र, रवींद्र भ्रमर, मुकुट बिहारी सरोज और गोपाल दास नीरज आदि हैं। समकालीन हिंदी काव्य धारा में अनेक दृष्टियों के कवि एक साथ रचनारत हैं। इसमें एक ओर त्रिलोचन, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल जैसे प्रगतिशील कवि रचनारत रहे हैं, तो दूसरी ओर अकविता, साठोत्तरी कविता, जनवादी कविता आदि धाराओं में बंटे कवि भी। इस काव्य युग में विभिन्न आयु वर्ग और विचारधाराओं के कवि मौजूद हैं। उनकी रचनाशीलता में काव्य संवेदना, विषय वस्तु, शिल्प और भाषा संबंधी विविधता है, जिससे समकालीन हिंदी कविता समृद्ध हुई है। ऐसे कवियों में अजित कुमार, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, सोमदत्त, स्नेहमयी चौधरी, कुमार विकल, लीलाधर जगूड़ी, चंद्रकांत देवताले, प्रयाग शुक्ल, ऋतुराज और भगवत रावत जैसे वरिष्ठ कवि हैं, तो दूसरी ओर अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, नरेश सक्सेना, कात्यायनी, निर्मला गर्ग, अनामिका, एकांत श्रीवास्तव, कुमार अंबुज, संजय चतुर्वेदी आदि युवा पीढ़ी के कवि भी हैं, जो हिंदी काव्य संसार को नया तेवर और नया मुहावरा प्रदान कर रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में प्रगतिशील काव्यधारा और कवि। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम, आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी, वाचन स्वर दीपक शर्मा और भावना चौधरी, कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।